नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। केजरीवाल से नाराज, आपसे मांग ली चंदे में दी कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पार्टी ही नहीं, अब पार्टी के बाहर भी उनके विरोधी बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में एक दानदाता ने उनसे चंदे में दी हुई कार वापस मांग ली है। कुंदन शर्मा नामक इस शख्स ने आपसे प्रभावित होकर एक नीली वैगनार के साथ ही बाइक और लाखों रुपए दान किए थे, लेकिन आपकी आंतरिक कलह से नाराज होकर उन्होंने सभी चीजें वापस मांग ली है। नाराज कुंदन ने कहा कि उसूलों के साथ खड़ा होना हमेशा मुश्किल होता है। जयराम रमेश ने मोदी को कहा दुर्योधन, कांग्रेस नाराज। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक विवादास्पद बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना दुर्योधन से कर दी। रमेश के इस बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने रमेश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाभारत के दुर्योधन के साथ तुलना करने पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने कई बार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सलाह दी है कि वे अपने विरोधियों का भी सम्मान करें। भाजपा ने भी रमेश के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 6% बढ़ा। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को बोनांजा देते हुए मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता 6% बढ़ाकर उनके मूल वेतन का 113% कर दिया। ये जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 55 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। चालू वित्त वर्ष में इससे सरकारी खजाने पर 7,879.34 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।